तो फ्री फायर के कुछ अपडेट्स जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को जून के मिड में या फिर अगस्त से पहले कॉल बैक इवेंट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, वही कॉल बैक जो अपने पुराने फ्रेंड्स को इनवाइट करो और बदले में ले जाओ 30,000 डायमंड्स। साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है मेन प्राइज के तौर पर फ्री के मैजिक क्यूब और कुछ फ्रेगमेंट्स भी फ्री मिलेंगे, मे बी के कुछ पुराने बंडल्स या नए वाले। साथ ही साथ यहाँ पर व्हाइट ट्रिपल फोर की थीम शॉटगन का स्किन और P90 का लेजेंडरी स्किन वॉश बैकपैक और कुछ गिनती के बंडल एक डायमंड प्लस पिंक डायमंड को मिलाकर इन बंडल को एक्सचेंज कर पाओगे। लेकिन ये अदर सप्लाई में हो रहा है, हालांकि ये चीज कहीं ना कहीं अगस्त से पहले पहले या फिर अगस्त पिंक डायमंड आने का संभावना बढ़ रहा है। हालांकि इसके रिलेटेड कुछ सो और सोलर प्रूफ नहीं मिला, जो भी हो कभी भी आ सकता है। मैं बता दूं सीएस रैंक का न्यू सीजन 20 1 अगस्त 2023 को आ सकता आएगा है। इतना ही नहीं, बीआर रैंक का सीजन 1 जुलाई 2023 को आएगा। तो इसी बीच में आप लोगों को एक टोकन यानी हीरो टोकन को आप लोगों को मिशन कंप्लीट करने पर मिलेगा एंड देन उसके बाद आप फ्री के ग्लोबल स्किन बिल्कुल ही ले पाओगे हीरोइक के थीम। हालांकि ये कुछ सर्वर में बहुत पहले उपलब्ध हो चुका है इंडिया सर्वर को छोड़। खैर अब बात कर लेते हैं फ्री फायर के अनवेन हॉफ न्यू, यानी कि फ्री फायर अनबैन के रिलेटेड कुछ नजर डालते हुए कुछ एक न्यूज आ रहा है। तो जो कि आप नजर डाले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीएसटी परिषद के बैठक 11 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। इनमें जो बैठने वाले हैं सीतारमण, ये फैसला करेंगे कि किस गेम को अनबैन करना है, क्या चीज पे सूची किया जाएगा। तो हो सकता है उस लिस्ट में फ्री फायर पर भी नजर दी जाएगी, घोषणा गुरुवार को किया जा रहा है। हालांकि ये 11 जुलाई को अपडेट होगा। बाकी आप लोग उम्मीद जरूर करना क्या फ्री फायर को अनबैन होना चाहिए या एक फर कमबैक जरूर होना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताना, क्या पता ये वीडियो वहां तक भी चले जाए जहां तक आपकी सोच ना हो।